पर 100 अरब से जायद का डाका डाला गया। ईसीसी और काबीना की एक्सपोर्ट की इजाजत से कीमतें बढ़ी। शाहिद खाकान अब्बासी की मीडिया से गुफ्तगू। ख्वाजा साद रफीक की नैब नोटिसेस की शदीद मजम्मत, कहा हुकूमत सियासी इंतकाम लेकर वक्त जाया कर रही है। फैसलाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला, 4 डाकू हलाक। डॉल्फिन अहलकार के रोकने पर मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, जवाबी कार्रवाई में डाकू जहन्नम वासिल किए गए। पीएम अहदेदार हुकूमत से नाला, कहते हैं लॉकडाउन में नरमी से बीमारी मजीद फैलेगी। साइंस की दुनिया को समझने की जरूरत है। बहुत अच्छी कावश है और मैं समझता हूँ कि ये नेकी की टोकरी में हम सबको हिस्सा डालना चाहिए। बहुत अच्छी कावश है, हर आदमी को चाहिए कि जहाँ से वो अपने लिए घर के लिए 4 रोटियाँ लेता है तो 1 रोटी उधर रख दे, जो वो नहीं खरीद सकता तो वो आदमी वहाँ से ले लेगा कोई फल और सब्जी। ऐसे जो भी कोई आता है, कोई किसके पास हस्बे तो फीक है, वो 2 रोटी, 10 रोटी, 5 रोटी रख जाता है उसमें, तो वो जो कोई गरीब आता है उस बेचारे का पेट पाल जाता है, वो ले जाता है, वो अपने बच्चों के लिए ले जाता है। ये तो सच न्यूज़ है, बहुत नेकी का काम किया है। अल्लाह ताला की खुशनूदी और सुकून कल्ब के लिए मुस्तहकीन का ख्याल रखें, भरम भी बरकरार रहना चाहिए। सच टीवी की काविश, नेकी की टोकरी। और मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में बादल गरजने और बरसने का काफी इम्कान है।